हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग को बहुत ही प्यारी प्यारी पर्स की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने कुछ पर्स ले लिए हैं और आप लोगों को एक एक करके इनको दिखाऊंगी। और ये मैंने बनाए हुए हैं खुद से, और कुछ इस चैनल पर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं पर्स की डिज़ाइन, और कुछ दूसरे चैनल पर भी। रूबी अग्रवाल नाम है उस चैनल का, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना जाके। और उसका लिंक मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे। तो देखिए कि मटका शेप में हमारा बहुत ही प्यारा सा पर्स है, डबल जिप में। और एक ये हमारा तो ब्लाउज से बचे हुए कपड़े में से ज़्यादातर मेरे बैग बने हुए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे पर्स हैं। और गाइस, अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोग के साथ अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ, ज़्यादातर पैक के ही मिलते हैं आप लोगों को। और क्योंकि आप लोग ज़्यादातर मेरी पैक की ही वीडियो पसंद कर रहे हो, इसीलिए मैं पैक की ही बनाती हूँ आप लोगों के लिए। और भी बहुत कुछ डालती हूँ मैं, लेकिन कपड़े से ही रिलेटेड। तो ये देखिए, ये थोड़े से रखे रखे सिकुड़ जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये। तो ये मैंने देखिए छोटे छोटे कपड़ों से बनाया हुआ है, सारा पर्स हमारा छोटे छोटे कपड़ों से बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा है। और एक ये है, शोल्डर बैग बोलते हैं इसको। और इसमें देखिए मैंने डबल जिप लगाई है, एक पीछे की साइड में एक बीच में, बहुत ही प्यारा सा पर्स है। और कौन सा पर्स आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को कोई भी पर्स अच्छा लगे और आपको उसकी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं सारे पर्स की वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगी। और ये देखिए, आप इसे मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हो, मेकअप किट की तरह या फिर पर्स की तरह। एक ये हमारा बहुत ही प्यारा सा पर्स है। तो ये मैंने पुरानी पजामी में से बनाया है। और ये है एक, ये मैंने बचे हुए कपड़े में से, ब्लाउज के बचे हुए कपड़े से बनाया है। और आगे देखिए थोड़ी सी डिजाइन डाल दी है इसमें, इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हो। सारे पर्स जो बहुत ही इजी तरीके से बनाए हुए हैं, किसी पर्स में ज़्यादा मेहनत नहीं है।